सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए ब्रांड इमेज जो है वो किस तरह से क्रिएट करी जाती है, ब्रांडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही 5 स्टेप्स आपको बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को ही फोकस करके आज के इस वीडियो के अंदर 5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट है टू नो योर ऑडियंस एंड क्रिएट सिमिलर कॉन्टेंट। बेसिकली इस पॉइंट के अंदर मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर सोशल मीडिया, अगर आप किसी एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या आप एक खुद ब्रांड ओनर्स हैं, तो आपको जो भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है और आपकी ऑडियंस को समझना है। क्योंकि अगर हमारा जो निश है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा निश जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन अगर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग के जो टॉपिक्स है उनको छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली वो मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक अपनी ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं तो आपका जो कंटेंट आप जो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे पोस्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में है, चाहे वो इमेज फॉर्मेट के अंदर है या फिर कंटेंट फॉर्मेट के अंदर है, तो आपको अपनी ऑडियंस और आपकी निश के अकॉर्डिंग ही पोस्ट करना है। सेकेंड जो हमारा स्टेप है, सेलेक्ट टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी ऑडियंस के साथ में जो इंटरेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी ऑडियंस को साथ में इंटरेक्शंस नहीं करेंगे, एक जो आपका जो बॉन्डिंग है वो क्रिएट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप भले ही कितना भी कंटेंट जो है पोस्ट करें वो आपकी ऑडियंस को रिलेवेंसी नहीं लाएगा, आपका ट्रस्ट फैक्टर जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तीसरा हम बात करें यहां पर, प्रोवाइड कॉन्टेंट ऑन अ रेगुलर इंटरवल टाइम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपके ऑडियंस को अगर एक आदत डाल दोगे कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे ही कंटेंट को रिलीज करते हैं या पोस्ट करते हैं, तो जो आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट से रिलेवेंसी रखती है या वो वेट करेंगे, तो डेफिनेटली अगर एक टाइम फ्रेम होगा तो वो हमेशा वेट करेंगे कि ओके इस टाइम पे ही आपको पोस्ट जो है या कोई कंटेंट है या वीडियो फॉर्मेट है आप उसको पब्लिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो ऑडियंस बन चुकी है ऑलरेडी, जिनके साथ में आपकी बाउंडिंग बन चुकी है या फिर जिनको आपका कॉन्टेंट जो है वो पसंद आता है, तो वो आपके उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में वेट करेंगे कि आपका कॉन्टेंट अब टाइम आ चुका है रिलीज होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रीच मिल पाएगी और इससे आपका जो एसईओ है वो भी इंपैक्ट करेगा, यानी कि आपका जो उसकी जो रिलेवेंसी है, उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज आपका कॉन्टेंट ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है। चौथे पॉइंट की बात करें हम यहां पर, पोस्ट मैक्सिमम कॉन्टेंट विथ रिलेवेंस टू योर ऑडियंस। अब मान लीजिए कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ना, या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट है। अब डिजिटल मार्केटिंग एक छोटा डोमेन नहीं है, माइट बी मैं जब स्टार्ट करूंगा अपनी ब्रांडिंग तो मैं क्या करूंगा, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस, डिजिटल मार्केटिंग के जो भी डोमेन्स हैं उनसे रिलेटेड मैं पोस्टिंग करूंगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, एड सेक्शंस हो गए, राइट। तो ये मैं अलग अलग चीजें डाल रहा हूं। अब मुझे जब मैं कुछ समय बीत जाएगा तो मुझे क्या करना है, एक रेगुलर इंटरवल टाइम पे मुझे इन सभी के ऊपर मैं दो दो तीन तीन पोस्ट डाल देने हैं। उसके बाद आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज क्या करना है कि आपका कौन सा ऐसा कॉन्टेंट है, कौन सा ऐसा डोमेन है जिसके ऊपर में ज्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड है। से फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग पे आपने दो वीडियोस डाले, तो दो वीडियोस में कंपेयर टू अदर डोमेन, आपने एसईओ के लिए भी डाले थे वीडियो, आपने किसी और सेक्शन के लिए भी वीडियो डाले थे, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा जो इंगेजमेंट हुई है वो हुई है आपके ग्राफिक डिजाइनिंग पे। तो आपको जो अपने पोस्ट के ऊपर में आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है इसको बहुत ज्यादा आगे फास्ट ग्रो करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर में। तो ग्राफिक डिजाइनिंग पे आप फोकस ज्यादा करेंगे, ज्यादा कंटेंट पोस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो रीच है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी जो ब्रांडिंग है वो ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे क्रिएट ट्रस्ट विद योर ऑडियंस। अब ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ब्रांडिंग के अंदर ट्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, बिकॉज अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जिसको आपका सेल करना चाहते हैं, अल्टीमेटली हर बिजनेस का एक ब्रांड का जो है एक ही मोटो होता है, टू इंक्रीज दी सेल। और सेल कब इंक्रीज होगी, जब आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी किसी आपके टारगेट ऑडियंस के साथ में। तो यहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट को सेल के लिए जो है पोस्ट डाला है, तो अगर उस पर कोई आपके पास में कमेंट्स आए हैं या आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल आई पूछी जा रही है या कोई आपका नेगेटिव कमेंट भी आया है, तो आपको उसको नेगेटिव नहीं लेना है, राइट? तो मतलब कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट आया है तो डेफिनेटली पॉजिटिव पे तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं नेगेटिव कमेंट को कैसे हैंडल करना है। तो नेगेटिव कमेंट में अगर कोई भी अगर कमेंट करता है तो आपको उसको बहुत ही सॉफ्ट वे में, बहुत ही तरीके से उसको हैंडल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसमें अग्रेसिवली कुछ रिप्लाई कर देंगे तो माइट बी जो आपकी अदर ऑडियंस है वो आपको जो है एक ब्रांडिंग को अच्छा नहीं समझे। तो इसलिए कोई अगर नेगेटिव कमेंट आता है, डू नॉट रिमूव दैट, उसको कभी रिमूव ना करें, उसको बहुत अच्छे से हैंडल करें। हैंडल करने में आपको क्या होगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से उसको पॉजिटिवली रिप्लाई कर दिया, माइट बी उसका एक्सपीरियंस किसी प्रोडक्ट से आपके खराब रहा है, तो आप उसको जो है पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा आपके पास में जो है आपको जो प्रोडक्ट अच्छा क्यों नहीं लगा, उससे आप रीजन पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे जो आप पूछेंगे, जो आपका तरीका होगा वो पोलाइट होना चाहिए। सामने वाले को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने जो उसने जो नेगेटिव कमेंट दिया है तो उस पर आप जो है एक क्या कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब ऐसे में क्या होगा, अगर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट आप उससे डिटेल मांगेंगे तो वो आपको डिटेल पूरी डिटेल बताएगा, तो माइट भी वो जो डिटेल बता रहा है हो सकता है कि वो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट के साथ में एक वीकनेस है। तो इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर एनहेंसमेंट कर सकते हैं, अगर कोई बाकी अच्छा जेन्युइन रीजन है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है उसकी जो क्वेरी है आप उसको रिजॉल्व करें। तो ऐसे अगर आप पॉजिटिवली हैंडल करेंगे तो डेफिनेटली, मैंने अपने बहुत सारे सोशल मीडिया के कमेंट्स हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स हैं जो नेगेटिव आ जाते हैं, कई बार मैं उसको बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करता हूं, मेरी टीम हैंडल करती है। तो हमने देखा है कि एक्सपीरियंस करा है कि जब हम पोलाइटली किसी चीज कमेंट को, नेगेटिव कमेंट को हम हैंडल करते हैं तो बाद में वो उस कमेंट को जो है बहुत ही पॉजिटिवली कन्वर्ट हो जाता है, वो पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाता है जब आप अच्छे से हैंडल करेंगे। अब ये जो आपका बेसिक सेक्शन है, जो एक नेगेटिव कमेंट से आपने उसको पॉजिटिव स्टेट पे लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली ये आपके ब्रांडिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, बिकॉज इट शोज कि आप जो अपने ऑडियंस को, आपका जो कस्टमर है, आप उनको बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। इससे ना सिर्फ वो जो जिसने नेगेटिव कमेंट करा था वही यहाँ पे आपके साथ में एक ट्रस्ट क्रिएट करेगा, बट उस कमेंट को पढ़ने वाले लाखों हजारों जो दूसरे यूजर्स हैं वो भी जो है आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। उनका ट्रस्ट जो है, भले ही उन्होंने आपके साथ में कोई एक बैड एक्सपीरियंस नहीं लिया है, बट स्टिल वो आपके साथ में एक अच्छा ट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के साथ में करते हैं तो आपकी ब्रांडिंग को क्रिएट करने में आपको बहुत ही बड़ा इंपैक्ट जो है वो छोड़ता है। आई एम श्योर कि आपको ये सोशल मीडिया के अंदर जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।